जैसे कि आप जानते हैं कि कल रात को एफएमएस ने अपने रिजल्ट्स रिलीज कर दिए थे, और इस बार हमारा जो फाइनल कन्वर्ट लिस्ट है उसमें 15-16 स्टूडेंट्स तो कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत ही क्लोज वेटिंग लिस्ट नंबर भी सामने आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बहुत क्लोज वेटिंग लिस्ट है, किसी का वेटिंग लिस्ट 1 है, किसी का वेटिंग लिस्ट 3 है, उसके अलावा भी बहुत क्लोज वेटिंग लिस्ट नंबर्स आए हैं। तो हम फाइनली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक नंबर निकल के आएगा, जो फाइनल कन्वर्ट लोग हो जाएंगे, उनका 25-26 स्टूडेंट्स ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने एफएमएस कन्वर्ट किया है। इसके अलावा अभी तक जो 15-16 स्टूडेंट्स का हमारे पास नंबर है उसमें 5 तो गर्ल्स हैं ही। इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट में गर्ल्स हैं उनका रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इससे देखा जाए जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है वो भी काफ़ी डिसेंट होने वाला है। 50-40% तो गर्ल्स होने ही वाली है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा ये जो रिज़ल्ट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहा है। जो लास्ट ईयर का हमारा रिज़ल्ट था उससे अगर हम इस साल को कंपेयर करें एफएमएस के लिए तो 2.5 टाइम्स से 3 टाइम्स तक का एक इंक्रीज़ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यूजी। और इससे हमें ये देखने के लिए मिलता है जो हमारे टीचर्स की मेहनत है, जो गाइडेंस है, और जो हमारे स्टूडेंट्स ने साथ निभाया है टीचर्स का, उनकी जो पर्सनल मेहनत है वो सब कुछ रंग लेके आई है। जो हमारे टीचर्स ने उनको गाइडेंस दी है, एवरीथिंग इज़ रियली वर्क आउट इन देयर फेवर। और फाइनली जो स्टूडेंट्स ने कन्वर्ट किया है, वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम, वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम जो उनके कन्वर्ट्स हैं उसके ऊपर। और हम ईजी के लिए भी बहुत खुश हैं जो वो काम कर रहे हैं, एंड वी विल होप कि आने वाला जो साल है उसमें जो भी कॉलेजेस हैं उसमें हमारा रिजल्ट जो है वो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाए। स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते रहें, सबकी मेहनत ऐसे ही रंग लाती रहे। और जैसे आपने देखा भी होगा अभी हम छोटे छोटे ऐसे वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं, और जो टेस्टिमनीज हैं स्टूडेंट्स की जो सिलेक्ट हो गए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मल्टीपल कॉलेजेस की हमने बात की है जो स्टूडेंट्स ने कन्वर्ट किया है। अगर हम सैप के कॉलेजेस की बात करें, सिम्बायसिस, SIBM, SCMHRD, NMIMS, IMA, IMB, ये जो कॉलेजेस हैं इन सब की हम आगे भी जाके बात करेंगे, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वीडियो को फॉलो करते हैं, तो उन्हें एक आइडिया लग पाए कि किस तरह से स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेक्शन दिया है उन्होंने अपनी की थी, किस तरह का उनका पाथ रहा है, अगर वो वर्किंग थे तो किस तरह से उन्होंने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया था, कितने साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस है, पर्सनली उन्होंने कैसे अपने टाइमलाइन को मैनेज किया, उनके जो मार्क्स हैं उस तरह को भी उसको भी कैसे एनालिसिस किया, और फाइनली उनका रिजल्ट अच्छा आया है तो उनकी क्या एक सक्सेस स्टोरी रही है, वो देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे। एंड हमारी यही कोशिश है कि जो भी आप लोगों की क्वेरीज है हम उसे एड्रेस कर पाएँ। थैंक यू सो मच।